Super. टीम वकाल सुन लो, इस हफ्ते कुछ भी हो जाए अपने को विनर बनना है, मतलब कुछ भी करना पड़े, समझा ना जय? लेट मी टेल यू वन थिंग, टीम याहू रॉक्स। तेरा मेरे बच्चों से, ओए ओए, तेरा मेरे बच्चों से कैसा है ये झगड़ा पुराना, कैसा है ये झगड़ा पुराना, लफड़ा है ये क्या मुझको बताना, लफड़ा है ये क्या मुझको बताना, तेरा मेरे बच्चों से। तू टेंशन जरा भी मत ले, अरे मैं हूँ ना। क्या बात है, मैम मैं सच्ची कह रहा हूँ, इनकी भोली शक्लों पे मत जाना, बदमाश है बदमाश। मेरे वर्कआउट टीम है जो एकदम यू नो टैलेंटेड, सीधे और समझदार है। ना 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 ना। बस भी करो अभी, चलो। बिल्कुल, बहुत मस्का लगा चुके हो, स्टॉप इट नाउ। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ मास्टर गीता कि याहू के बच्चे तो हैं आपके बच्चे, लेकिन वकाओ के भी बच्चे हैं, वो आपके बच्चे हैं, जरा ध्यान रखिएगा मार्क्स देते वक्त। फरमा, ये भी तो आपके बच्चे हैं इतने सब? हाँ। ये तो मस्केबाजी की हद हो गई यार, दर्जन भर के। हाँ, ये ओए चुप चुप चुप, ये सिर्फ मेरी माँ है, स्टॉप इट। ए, नानी बोला नहीं, मैंने कितने बार बोला है तुम लोग को, बेबी बोलो, बेबी बेबी बोलो प्लीज। शुरू करें, चलो तीनों मास्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। चलिए आप बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की ओर। अरे मेरी जैकेट क्यों खींच रही हो यार? जय भैया। हाँ, मुझे एक सवाल पूछना है। तो पूछो। फरामा से पूछना है। फरामा से पूछना है? क्यों? नहीं नहीं आए ना। ओ हो, पूछो। आप इस टाइम फ्रॉक क्यों नहीं पहने हो? फ्रॉक पे क्या? लास्ट टाइम आपका फ्रॉक कितना ब्यूटीफुल और क्यूट था। थैंक यू, मजी ने भी मुझे यही कहा लास्ट टाइम, इसलिए आज मैंने फ्रॉक नहीं पहना। तो ज्यादा ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा था मुझे मजी। मेरा मम्मी भी बोल रही थी कि मेरे को भी ऐसा टॉप चाहिए। मम्मी को फ्रॉक पहनना है? नहीं, मेरे को। तेरे को? हाँ। नेक्स्ट एपिसोड में गीता माँ भी फ्रॉक पहन के आएगी। अरे उसके वाले नेक्स्ट वाले एपिसोड में मर्जी भी फ्रॉक पहन के आएगा। बस इतना बस। हाँ। क्या तेरे पे भी आऊं अभी? नहीं नहीं। अच्छा, वैसे अगले हफ्ते हमारे ग्रैंड मास्टर भी आने वाले हैं, तो देख लेंगे कि हमारे मास्टर मोजी उस दिन फ्रॉक में आते हैं या फिर घाघरा में आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 5 हफ्तों की सीरीज में फिलहाल टीम याहू 1-0 से आगे है। वैसे कुछ इतनी खुशखबरी वाली बात नहीं है, तालियां नहीं बजाएं।
तो चलो फिर शुरू करते हैं इस हफ्ते का पहला राउंड यानी डबल धमाका राउंड। तो श्रेया अपना काम शुरू कर दो, जाओ। यस सर। हां या टिश्यू टिश्यू हैंड्स अप। हां चलेगा। ए राघव कॉकरोच। यस सर। याहू के टीम से आप किसको भेजने वाले हो? मैं सौम्य और फैजल को भेज रहा हूँ अपनी टीम से और वो वॉल्स कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं टीम याहू से सौम्य और फैजल भैया के लिए। तोड़ी ना को फोड़ी ना को भुक्को करी ना को। क्या बात है। जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सौदाई हुआ धड़कने भी अपनी तो लगती है तेरी आटे। अरे हाँ मांगी ना खुदाई मैंने, मांगा ना जमाना भी, मांग ली है तेरी चाहते। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। रॉकिंग परफॉर्मेंस होता ताला हो जाए फैजल और सौम्य के लिए। क्या बात है फैजल सौम्य, सुपर परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 2 में आप अलग अलग टीम में थे लेकिन आज साथ में देखकर बहुत मजा आया, सच कह रहा हूँ। थैंक यू सर। चलिए जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा और शुरू करेंगे बेबी से। बेबी थैंक यू जय। अरे यार फैजल और सौम्या तुम लोग ने इतनी मैच्योरिटी से और इतने ग्रेस से ईज से किया, स्पेशली एक जब सौम्या शोल्डर से लेग्स के बीच में जाकर वो मैंने बहुत टाइम लोगों को करते हुए देखा लेकिन वो अटक अटक के जाते हैं बट सौम्या डिड इट सो स्मूथली। सो सुपर्ब आई थिंक, ब्यूटिफुल। थैंक यू। आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आप लोगों के डांस में था आपके ट्रांजिशंस। जितना भी आपका पार्टनर वर्क था, जितनी बार भी आपने उसे उठाया है या उसने आपके अराउंड डांस किया है, इट वॉज लाइक एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। एक शोल्डर पे लिफ्ट किया आपने सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी, और आप साइड टू साइड आपने मूव किया, वो बहुत डिफिकल्ट है। दैट वॉज वेरी वेल डन। एक लिफ्ट किया आपने, उसके बाद एक ड्रॉप किया, आई थिंक दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। हमने बहुत बार कोशिश की है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आपने स्ट्रेंथ ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ें की। आपकी जोड़ी मैं पहली बार देख रही हूँ, फैजल एंड सौम्या, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है। यू लुक ब्यूटिफुल टुगेदर एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्ट। सो गॉड ब्लेस यू बोथ। और
जय, एक बार मैं फैजल को बोलना चाहती हूँ कि टुडे यू डांस लाइक अ हीरो, तो आई होप कि गीता और मैं कभी जब तुम बड़े होगे और हीरो बनोगे तो हम दोनों को मौका मिलेगा तुम्हें कोरियोग्राफ करने का, बिकॉज टुडे वॉज अ हीरोज परफॉर्मेंस. एंड ऑफकोर्स सौम्या तो मिस यूनिवर्स बनने ही वाली है, तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी. हाँ, फिर वो परमा, मैं मार्च जाने से पहले आपके साथ एक बार डांस करना चाहता हूँ. हाँ, देखा, ये मस्का राउंड है ना आज. ये देखो, आज ये मस्का राउंड है ना. Come on guys, जोरदार ताली हो जाए परमा के लिए. चाहे तुम कुछ न कहो, मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया. ये मैम आपका फर्स्ट मेरे ख्याल से कोरियोग्राफी थी इसमें. हाँ, पहला था. और इसमें जो स्लो, पूरा स्लो मोशन इफेक्ट है, तो उससे बहुत इंस्पायर्ड हूं मैं. हां, आई फॉरगॉट. हां, 48 फ्रेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसा जंप मार, स्लो मोशन में जंप मार, स्पेशली वाला वो. वो याद है उसको. आमिर, आमिर के कोई पोर्शंस इनको याद नहीं, नहीं है. इनको पूजा वेदी गाड़ी पे खड़ी है, शॉट उड़ रहा है, वो याद है. मुझे पता भी चला है कि राघव ने इस गाने को लेकर बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं. हाँ? हाँ? मतलब कैसे, मतलब कैसे? तू गाड़ी पे खड़ा होता है, फैन नीचे रखते हैं. फिर? तो चलिए अब बढ़ते हैं मार्क्स की ओर और जानते हैं कि फैजल और सौम्या को कितने मार्क्स मिले हैं. तो शुरू करते हैं फारा मैम से. 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स. सो मैं तुम्हारी मैच देखता हूँ, कितने हुए टोटल, टोटल कितने हुए? आप बताओ ना, मैं आपको नहीं आता. नहीं नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा. 25 है. नहीं आता तो बोल दो ना, कोई बात नहीं. लेकिन इसी बात पे जोरदार ताला हो जाए फैजल और सौम्या के लिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. वैसे मास गीता, आप तो जानते होंगे कि हम सब आपको कितना प्यार करते हैं. अगर ऐसा है, अगर अच्छा डाउट है, मैं नहीं तो करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ. ये करती है, ये मुझे पूरा यकीन है. अच्छा, आप तो करते हो, मतलब... आप पे मुझे डाउट है. डाउट है? हाँ, आप पे. अच्छा, चलो देखते हैं, फिर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं. मुझे गीता माँ के बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि अगर किसी का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी गंदा गया, वो समझाती है अच्छे से कैसे गलती सुधारो. दे आर वेरी गुड, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड ऑन देम, ऑल द बेस्ट. कुछ इतना कोरियोग्राफी कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, कुछ नहीं पता था. मुझे DID में गीता माँ के ग्रुप में रह के ही पता चला. वो मुझे माँ ने सिखाया है, तब जाके मैं लिटिल मास्टर कर पाया. गीता माँ जो है वो बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छे दिखते भी है, और उनका एक्सप्रेशन तो माइंड ब्लोइंग है. गीता माँ, आपके मम्मी तो मेरे साथ डांस कर लिया सीजन 1 पे. आप इस बार डांस के सुपर किड्स पे मेरे साथ भी कभी डांस किया करो. कभी कभी मम्मी की तरह डांटती भी है, और एक फ्रेंड की तरह बहुत सपोर्ट भी करती है. गीता मैम, जब आप कमेंट्स देते हो ऐसे प्यारी प्यारी आँख से, बहुत प्यारा लगता है. मैं बहुत प्यार करता हूँ माँ को, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मेरे को अपनी मम्मी की कमी महसूस नहीं होती जब वो रहती है मेरे पास. चाहूंगा कि वो फैजल के साथ मेरे को भी रख ले. सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर मेरा कभी भी बेटा हो तो आपकी तरह नाचे. थैंक यू. कोशिश करूंगा कि उनसे फिर बुलवाओ कि मेरा बेटा हो तो आपकी तरह हो, और जब भी वो कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. गीता माँ, आप है ना, आई लव यू. सब अच्छी अच्छी बातें बोल दी, बुरी भी बोल देते तो इम्प्रूवमेंट का मौका हमें भी मिलता. बट द लव इज इमेंस एंड इज ब्यूटिफुल. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी वेरी मच.
क्या सॉलिड मस्का लगाया यार। मुझे चलेगा, मुझे ये मस्का बहुत पसंद है। अब तो मास्टर गीता को फिसलना ही पड़ेगा। नहीं, इतनी भी नहीं फिसलूंगी मैं। क्योंकि अगर फिसली तो बहुत आवाज आएगी। You're so mean. जब मैं फिसलू भगवान ये नीचे ही हो। I swear, तो आवाज अच्छी आएगी। पेपर डोसा बन जाएंगे। I tell you this boy. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Over to you, श्रेया। Yes sir, मेरा फेवरेट धर्मेश सर। All the best धर्मेश सर, all the best. धर्मेश सर, did you miss me? Yeah, miss you. You miss me? Yeah, miss you. Oh, oh. So, धर्मेश सर, who are you sending from your team? Myself. किसको भेजने वाले? Myself, your. मतलब me and ऋतुराज. कैप्टन धर्मेश सर के लिए और ऋतुराज भैया के लिए। धर्मेश, ऋतुराज, योगदास। सर, शायद फ्यूल खत्म हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर, लेफ्ट इंजन और राइट इंजन दोनों ही जलकर खाक हो चुके हैं। अटेंशन, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि हम लैंड करने वाले हैं और बुरी, हम क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं। छोड़ा है जहान नीच, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ। धुआ धुआ तनहर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये बिना। मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये किला तो है, मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम एक। ओ, 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 फिर से चला। की जैसे सपने ये कितना भी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैं छोड़े छोड़े क्यों, तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। इधर उधर तितर बितर क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी हो नीचे, तेरी यादें तेरी यादें तेरी हो। फिर से उड़ चला क्या बात है। सीधा चलते हैं मास्टर से, आप पूछते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। हाँ, एक्चुअली हम लोग को भी एक कैप्टन की जरूरत है। प्लीज, मैं मयूरज को बुला सकता हूँ? चलिए फिर अब पूछते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और शुरू करेंगे मास्टर गीता से। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट योर एक्ट वाज द यूज ऑफ स्टेज। जिस तरह से आपने ऊपर से नीचे तक का सफर तय किया, आई थिंक दैट वाज वेरी क्लेवर। आपका एक एरोप्लेन हैंकी मोमेंट था वहाँ पे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने क्रैश लैंड तो नहीं किया, लेकिन आपने बहुत सेफली लैंड किया है आपके एक्ट में। थैंक यू मैम। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी स्वीट एक्ट। इट वाज वेरी।
मुझे सबसे अच्छी दो चीज लगी, पहले तो कि ऋतुराज छाता लेके नीचे उतरता है जबकि आप पैराशूट से निकल गए हो, छाता लेके उसके वेट के साथ छाता संभालता है, सोचने वाली बात होती है। सुन ज्यादा वेट के बारे में बात, अगर आप सोचो ना? अगर इसको मैंने 36 माले से छाते के साथ भेजा, छाता पहले आएगा या ये तू? क्योंकि साथ में मैं तेरे को लेके जाऊंगी। बेबी डोंट वरी, पहले मर्जी आएगा, मैं उसको पहले फेंकूंगी। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। पर सम पार्ट्स में धर्मेश, ऋतुराज वॉज नॉट कीपिंग अप टू योर टाइमिंग, कहीं कहीं पे छूट रहा था, तो अगर वो पकड़ लिया होता ना, ही वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर मी। ओके, अदरवाइज ऋतुराज आप बहुत लाइट हो एज अ डांसर, आप बहुत एफर्टलेस हो, ऐसे ही डांस करते रहो, थोड़े पतले भी हो जाओ, इंस्पिरेशन ये गलत जगहों से मत लो। ही लुक्ड एट यू आल्सो, आई एम तो यूज्ड टू इट, ही लुक्ड एट यू आल्सो। अरे उधर गर्दन में गर्दन उधर ही रख, तू सामने देख। सामने देखता हूँ, सामने देखता हूँ, सॉरी। मैं बॉम्ब हूँ, बॉम्ब, समझा? But otherwise, Ritura Dharmesh, brilliant act, very nice. So all the best. God bless you. Thank you, sir. Bye, bye. आप बताइए आपको इनका परफॉर्मेंस। आज धर्मेश और ऋतुराज, फर्स्ट टू थ्री थिंग्स दैट आई रियली लव्ड, वन इज ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक था और इतने ब्यूटीफुली ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग ने मतलब एग्जीक्यूट किया, दैट वाज लवली। ऋतुराज तुम्हें थोड़ा, धर्मेश जब डांस करता है ना वो इतना कड़क है ना, तुम उसके मुकाबले में 19-20 हो रहा था थोड़ा, तुम्हारा जो पॉपिंग और जो वो थोड़ा सॉफ्ट मुझे लग रहा था एज कम्पेयर टू धर्मेश। बट अदर देन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स जस्ट फॉर द वे यू ऑल यूज द स्पेस। थैंक यू मां, थैंक यू। मेरे शेरों, अच्छे कमेंट्स तो मिल ही गए हैं, अब जानते हैं कि मार्क्स कितने मिलते हैं। शुरू करते हैं मास गीता से। एट मार्क्स। थैंक यू मां। मास्टर मोहसी, एट मार्क्स। थैंक यू सर। फरमान, 1 point extra for use of space. Thank you, the total hua 25. Anyways, abhi ke liye zordaar taaliyan ho jaye Ruturaj aur Dharmesh sir ke liye. Thank you. Jeet jeet. Abhi unko to bahut acche marks mile. To jeet tu kuch to karna. Ek minute. Oi. परमा, इतनी सिज्जत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। इतनी सिज्जत से? सिज्जत। सिज्जत। ये ओम शांति ओम का डायलॉग बोल रहा है भाई, वो अगर इतनी सिज्जत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, हर जर्रे ने तुम्हें मुझे मिलने की साजिश की है। ओ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो जीत बाबू। रंग भरे बादल में तेरे नैनों की काजल में मैंने इस दिल में लिख दिया तेरे नाम फरमा। मामा माँ फिसलना मत, हम लोग भी हैं। मैं फिसलूंगी नहीं अभी, ठहर देख मैं क्या करती हूँ, इसको दिखाती हूँ। रुक रुक तू भाई रुक, बहुत मस्का लगा रहा है ना। रुक महिला, ए तू संभाल ना बाबा। जीत जीत जीत, वो वाला फरा। ए बिस्ली बिस्ली। जोरदार तालियां हो जाए जीत बाबू के लिए। तो ओम, ओम तू कौन सा स्टाइल करने वाला है? बॉडी वीडी सब दिखा रहा है, बोल। एक्रोबेशिया। एक्रोबेशिया हेल्प में करने का कूदती दीदी, जैसे करते हैं ना ओलंपिक। हाँ, ओलंपिक जैसे। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जोरदार तालियां बजाओ याहू के टीम से ओम और तनय के लिए। ऑल द बेस्ट ओम और तनय।
यही तो फील है बाप। चलिए फिर मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसे लगा और शुरू करेंगे मास्टर गीता से। एक्रोबेशिया किया आपने, एक्रोबेशिया एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ का, फ्लेक्सिबिलिटी का और डांस का। डिफिकल्टी लेवल जो आपने बढ़ाई है इस एक्ट में वो है टर्न टेबल पे करके, एंड दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू क्योंकि आप घूम भी रहे हो साथ में, आपको आपके पोजिशंस पकड़ के भी रखने हैं और आप दोनों इस एक्ट के लिए बहुत छोटे हो लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए आज, सो वेरी वेल डन। तने आपने एक लेग को सपोर्ट किया और ओम ने बैक बेंड किया, वो बहुत अच्छी तरह किया आपने। फिर एक पॉइंट आया जब आपने बैक बेंड किया, ओम आपके ऊपर चढ़े, very very difficult. I think you all did a fabulous job today. Thank you, well done. मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, मैं पिन पॉइंट भी नहीं कर सकता क्या क्या अच्छा लगा, क्योंकि हर एक पोज जो कर रहे थे वो जो पोज में जा रहे थे, द फिनिशिंग ऑफ दैट पोज वॉज वेरी प्रिटी, वेरी नाइस टू सी। टोटालिटी में इट वॉज अ सुपर्ब एक्ट, सुपर्ब 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 एक्ट, वेरी डिफिकल्ट टू डू एंड यू डिड इट वेरी नाइसली, गॉड ब्लेस यू। दोनों का जो मसल कंट्रोल है इट्स समथिंग एल्स ताने, और बिगनिंग में जो पोज आप लोग ने होल्ड किया विद द टोज एब्सोल्युटली पॉइंटेड और कितनी देर तक होल्ड किया, और बीच में मैं कहीं सोच रही थी दैट यू ऑल बोथ शुड रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन सम इंटरनेशनल गेम्स फॉर जिमनास्टिक्स और समथिंग, बिकॉज यू ऑल आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। थैंक यू मैम। सिर्फ मुझे एक ही अगर कंप्लेन होगी, आई विश के थोड़ा पोजेस के बीच में ट्रांजिशन में थोड़ा और डांस करके वो ट्रांजिशन में जाते तो आई वुड हैव बीन इन सेवंथ हेवन। But other than that, it's unbelievable what you all two guys did. Thank you, ma'am.
चलिए अब मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ओम और तने को कितने मार्क्स मिलते हैं और शुरू करते हैं मास्टर गीता से। तो टोटल कितना हुआ? 27। जोरदार ताली हो जाए ओम और तने के लिए। फराह मैम, आपसे एक चैलेंज लगाना चाहते आज मैं चीफ गेस्ट हूँ ये बकरा राउंड के लिए, क्या? अब इधर मैं। कम ऑन गाइस, जोरदार ताली हो जाए फराह मैम के लिए। आपको मेरा सपोर्ट है? ओ, आप जो नई फिल्म आ रही है ना आपकी, उनमें आप बमन रानी अंकल के साथ वो करते ना, वो बमन अंकल के साथ क्या करती हूँ मैं उस फिल्म में? हु करते ऐसे, वो कैटी के साथ। हाँ हाँ, आपको चैलेंज लगाना है। तो कैटी कहाँ है तेरी? पहले क्या रहे ये भगवान, he comes prepared, हाँ? He knows what he wants to do also, yeah. अरे फूल भी लेके। क्या है मैं? अच्छा भी है। बात है यार, वाह बेटा वाह, देखा मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। तो चलिए फिर इसी बात पे जोरदार ताली हो जाए ओम और तने के लिए। थैंक यू डीआईडी डांस के सुपर किड्स बैटल ऑफ द बॉक्स। पांच हफ्तों की कांटे की टक्कर का ये दूसरा हफ्ता है, तो देखते हैं कौन होगा इस हफ्ते का विनर। फरा माँ, फिर मेरे को पकड़ा तुम लोग ने। अभी जिन ये सेट पे जो सब लोग बैठे हैं ना, उन पे से इन लोग किसको आपसे ज्यादा प्यार करते हैं? पहले मेरे को सवाल डिसाइफर करके बताओ। वो कह रही हैं कि हाँ। हम सब में से आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद करता है? अरे सिंपल है, गीता माँ। फरा माँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, देखो। हाँ? मुझे फराह मैम बहुत पसंद है, कुछ भी चीज में गुस्सा नहीं करते। वो सबसे अच्छी कोरियोग्राफर भी है, एक्ट्रेस भी है और डायरेक्टर भी है। फराह मैम के बारे में तो वो बहुत प्यारी दिखती है, बहुत गोरी दिखती है, बहुत चिकनी सी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। मैं तो बिल्कुल बहुत टाइम बाद उन्हें देखा, वो 10 साल छोटी लगती हैं अब जैसे मुझे लगता था, और वो 10 साल छोटी हो गई है, मुझे पता नहीं क्या खाती, वो कौन सी जड़ी बूटी है। फरा मैम है जो मुझे इंडस्ट्री में पहला चांस दिया माने, मुझे 30 मरखा का गाना दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे उनकी बहुत सारी मूवी बहुत अच्छी लगी, मैं हूँ ना ओम शांति ओम, गीता माँ हमारी मेरी माँ मतलब सभी की माँ है, तो फरा मैम नानी हुई, तो मुझे मेरी नानी बहुत पसंद है। बेबी बुलाओ बेबी मुझे। फरा मैम सीधे से बोल देती है कि अच्छा लगा या बुरा लगा, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे अपना बेटा समझती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। फरा मैम, अरे अरे क्या मस्त है, वाह क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मस्के में जो प्यार भरा था ना, मैं डाइट पे हूँ, मस्का खाना बंद कर लिया, लेकिन ये मस्का मैं रोज खा सकती हूँ। थैंक यू, क्या बात है। और फैजल, बेबी बुलाओ मुझे, बेबी बेबी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, श्रेया अपना काम शुरू कर दो। यस। राघव भैया, आप कौन सा परफॉर्मेंस करने वाले? मैं रोहन के साथ करने वाला हूँ अपना स्टाइल। कौन सा स्टाइल? लिरिकल। अरे लिरिकल हिप हॉप क्यों करते हो? लिरिकल हिप हॉप करना पड़ता है बेटा, वही उसी में थोड़ा आता है मेरे को ना।
नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ बेटा। नहीं ठीक है चले छोड़ दो, बाद में बातें करेंगे। हाँ, हाँ, तो जोरदार तालियां बजा यहू के टीम से कैप्टन राघव भैया और रोहन भैया के लिए। जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा और शुरू करेंगे फारा मैम से। थैंक यू यार, मेरे ना गूज़बम्स अभी तक है। राघव यार मार्वल यार, आई डोंट नो नाइन्थ वंडर। जब तुम डांस करते हो ना ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया रुक गई है और सिर्फ तुम मूव कर रहे हो। बट रोहन अलोंग विथ यू और इतनी बढ़िया कोरियोग्राफी, स्पेशली व्हेन वो लग रहा था कि वो ट्रैक पे चल रहा है, मतलब पूरी फिल्म की कोरियोग्राफी तुम लोग ने विद कैमरा मूवमेंट मुझे यहाँ दिखा दी। स्लो मोशन जब होना था स्लो मोशन हुआ, जब फास्ट होना था एक्सप्रेशंस, ट्रैक ट्रॉली, एवरीथिंग, इट वाज लाइक वाचिंग अ, मैं फिर कहती हूँ मुझे हमेशा लगता है मैं एक स्पेशल इफेक्ट सॉन्ग देख रही हूँ। थैंक यू मैम। व्हेन यू ऑल डांस जस्ट ब्रिलियंट। थैंक यू मैम। थैंक यू। देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका ऊपर का सेक्शन वाला इम्पैक्ट होता है जो देखता है वो। हाँ साउंड इफेक्ट आपके बड़े अच्छे हैं। टोटालिटी में संडा बबाड़ा था माय फ्रेंड। यस
A very nice act. Brilliant. Timing. Thank you, sir. Rohan ko kaha jata hai ki wo aapki parchhai hai. Rohan, kya nashta hai tu yaar? Kya nashta hai? God bless you guys. Thank you, sir. Kya baat hai? आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका डांस. आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, ये डांस आपको बचा लेगा. और ये एक्ट देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितने लोग हैं जो झगड़ते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से दुनिया में, अगर वो इस हथियार को अपना लेंगे, आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. थैंक यू. आपके एक्ट के लिए बगैर ज्यादा सीरियस हुए, I think it's only fair that you get a stipend of fantabulously. Thank you, ma'am. Very, very well done. Superb. Eddie Murphy. 1, 2, 3. तो चलिए फिर राघव रोहन, जानते हैं कि आपको मार्क्स कितने मिलते हैं. फारा मैम. 10 marks. राघव रोहन आपको मिला है 10 pick 30. इसका मतलब है आपको मिलता है सुपर किट बैंड. ज़ोरदार ताली हो जाए. Fantastic. ज़ोरदार ताली हो जाए राघव. थैंक यू सो मच. आओ आओ मेरी बहना. हाँ जी. हाँ क्या हुआ? जय भाई, मुझे एक सवाल पूछने. पूछो पूछो. गीता माँ से. गीता माँ से चालू हो गई चिक चिक एक्सप्रेस. हाँ तो क्या हुआ? पूछ ले बच्चा. ठीक है गीता माँ, आप तो जब भी मर्जी सर हिंदी बोलते हैं जी, आप उनके हिंदू डिक्शनरी हो. करेक्ट. तो गीता माँ जी, जब ट्रैफिक रहता है ना, तो वो एक लाल पत्ती चलता है ना, सिग्नल 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 को हिंदी पे क्या बोलते हैं? सिग्नल. हिंदी पे सिग्नल नहीं. मुझे नहीं पता सिग्नल को और क्या कहते हैं. सिग्नल को सिग्नल ही कहते हैं ना. सिग्नल ना. नहीं लाल बत्ती बोलते. लाल बत्ती. लाल बत्ती. सोचो. नहीं सोचो. अरे टेंशन मत लो. के बाद भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सिग्नल बोलते हैं, उतना ही मालूम है मेरे को, उसके अलावा नहीं मालूम. अरे टेंशन नहीं लेने का. मास्टर मोजी को पता होगा. मास्टर मोजी बताओ. मैं चैलेंज देता हूँ सर. बिंदास. मैं चैलेंज दे दो, बता के दिखा दो. जय. हाँ अगर मैंने कहीं सही में बोल दिया तो. हाँ तू मैं जो बोलूंगा करेगा? हाँ जय भैया. बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं आप. यू थिंक ही विल गेट इट? Of course not. तो ठीक है फिर बताइए. कमान मर्जी. कमान मर्जी. सवाल पूछिए वापस. ये मेरे को डर लग रहा है तूने हाँ बोल दिया जय. ये क्या कमाल का बिल्डअप दिया है, जैसे 5 crore का सवाल पूछिए. सवाल पूछिए वापस. मुझे तो डर लग रहा है भाई. अभी सिग्नल जो लाल पत्ती, येलो पत्ती और ग्रीन पत्ती बनती है ना, तो उसको क्या बोलते हिंदी पे? उसे हिंदी में कहा जाता है आवक जावक, सूचक लंबा डंडा. क्या बात है बॉस. इट इज एक्चुअली करेक्ट. व्हाट दैट हैपेंड. 1 minute. आई मर्जी सर. नो वर्ड्स. 1 minute. एक और. नो नो नो. बट इट इज द फैक्ट. वापस बोल. वापस करेक्ट बोला है. वेरी गुड. आवक जावक सूचक लंबा डंडा. वेरी गुड यार. लेकिन एक मिनट. क्या अब दुनिया देखेगी श्री जय जयश्री कैसे बनते? जयश्री. हमारी एक मनोकामना है. क्या है मतलब? वो उसने बोला श्री जय. आपके शरीर को इस वस्त्र से आप ढकेंगे. ढकेंगे सर. सर ये अपॉर्चुनिटी मैं सर मुझे दे दो. आई वुड लव टू दे. नहीं 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 नहीं. क्या कर रहे हो मासी गीता? मासी गीता ये बच्चा मुझको है. ये बच्चा मुझको है. जय माया.
सब अपनी जगह पे बैठिए। अरे मेरी पतलू निकालोगे तुम लोग? फारमा अभी तो बचा मुझको, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा एक काम करती हूँ, मैं बचाती हूँ, पहले गीता साड़ी पहनाएगी, मैं साड़ी उतार दूंगी बाद में। भाग गया जय, एक ही हम लोग का सपोर्टर था वो भी भाग गया। यू नो व्हाट, उसमें दम नहीं है। लूजर लूजर, कैसा आदमी है, बोल के फीका जा फिर जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मुझे साड़ी का कलर अच्छा नहीं लगा। ये तो डेफिनेटली हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे मास्टर मर्जी आपके भी नाम पे एक संदेश आया है, आप देखना चाहेंगे? और एक संदेश। हमारे मर्जी सर बहुत अच्छे हैं। एक बात उनकी बहुत अच्छी लगती है कि उनकी कितनी भी टांग खींचो पर वो कभी भी बुरा नहीं मानते और उल्टे सामने से मस्ती करते हैं। आटा माची छटक ली। उनको एक तो हिंदी नहीं आते और मुझे भी हिंदी नहीं आते अच्छे से, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मर्जी सर और मैं एक साथ हिंदी का क्लास ले लूँ। परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो स्टेज पे खड़े हो जाते और बाव करते तो बहुत ही अच्छी लगती है वो चीज़। अच्छा एटीट्यूड है उनका स्टेज में, हर एक में बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं वो, अगर कुछ गलत भी हुआ तो वो फिर भी उसे सही करके बताते हैं। अगर आप प्रॉप यूज करते हो तो इट हैज टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, वरना सौम्या एक बहुत अच्छी डांसर है। मर्जी सर एक बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है, एक बहुत अच्छे डांसर है। आपकी जो स्टाइल है रॉक एंड रोल वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मर्जी सर मैं आपके साथ वो स्टाइल एक बार करना चाहती हूँ प्लीज। और मर्जी सर आप हमेशा ऐसे हंसते रहो और सबको हंसाते रहो। हंस डंट। वो जीत जीत जीत, वो क्या किया था आखिर में आपने? तो कैसा लगा आपको? इतना प्यार, आई मीन टू से इतना मस्का। भाव बीच हो गया। भाव बीच। अभी अभी बोलेंगे जू बीच। इमोशनल थई गेलो हूं, मारा दिल पर लागो। क्या बात है धर्मेश सर। अरे यार ये आ गई वापस। डरो मत, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। अच्छा आज मैं वर्षाली दीदी से वर्षाली वर्षाली दीदी वर्षाली दीदी वर्षाली दीदी चलेगा बोलो। आपका नाम बहुत डिफिकल्ट है कॉकरोच भैया का तरह। आज से मैं वी दीदी बुलाऊंगी। ओके हाँ तो वी दीदी आप कौन सा स्टाइल करने वाले हो? हम लोग रोबोटिक भरतनाट्यम करने वाले हैं। तो जोरदार ताले बजाए टीम वकाव से वी दीदी और वी दीदी के लिए। कम ऑन वी पावर गिव दैट। Now this one's a shout out to all you ladies who are hot, 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 hot as love as we are. Yeah. Hor bhai pan gat pe mohinat khat shaam sataye mori chuna
खुशहाली और वैष्णवी के लिए। चलिए जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और शुरू करेंगे मास्टर गीता से। वैष्णवी स्टोल इट फ्रॉम यू टुडे, एब्सोल्युटली शी वाज आउटस्टैंडिंग टुडे। ओवरऑल बहुत खूबसूरत एक्ट था, दिखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन काफ़ी जगहों पे ऐसा लगा कि सिंक छूट गया क्योंकि आप थोड़े से पीछे रह गए, बट शी वॉज बैंग ऑन, सो थोड़ा सा तालमेल जोड़ना पड़ेगा। या बट आई थिंक इट वॉज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट एंड क्वाइट वेल एग्जीक्यूटेड, नॉट बैड। शो को डांस के बाप कहा जाता है क्योंकि ये बच्चे हम सबके बाप है। यस यू अगेन प्रूव द सेम थिंग, यस आप लोग सब हम बच्चों हम बड़ों के बाप हो जहाँ डांस का सवाल है। वैशाली आप बहुत अच्छे डांसर हो, आपने जब क्लासिकल का जो एक सेक्शन था यू ऑल वर ब्यूटीफुल टुगेदर, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ ये एक्ट देखकर, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ फिनोमिनल एक्ट। टुडे वैष्णवी प्रूव्ड इट कि वैष्णवी कुछ भी कर सकती है, और वो जो भी करती है वो मतलब फुल ऑन करती है। सो वैष्णवी यू आर टू गुड टुडे। बट रुशाली आई मस्ट से कि जब क्लासिकल का आया और जब ग्रेसफुल मूवमेंट्स आए यू वर आल्सो वेरी वेरी गुड। थैंक यू मैम। वैष्णवी रुशाली चले जानते हैं कि आपको मार्क्स कितने मिलते हैं, शुरू करेंगे मास्टर गीता से। 8 marks. One extra mark because Rushali tried something that is not her forte, and that takes guts and that takes courage. So one extra mark for that. Thank you, ma'am. So total hota hai aapka 25. Isi baat pe zordaar taaliyan ho jaye Rushali aur Vaishnavi ke liye. Thank you. Jay, aaj episode ke shuruaat mein I think Mazi sir ke saath bahut bura hua. Unko bachchon ne बहुत खिलाया आज। मैम इसीलिए टीम बकाओ के बच्चे और बच्चों ने डिसाइड किया कि वील मेक अप फॉर इट, तो हम मर्जी सर को कुछ और खिलाना चाहते हैं। और मारोगे? सॉरी सॉरी, मर्जी को कोई नहीं मार सकता सिवाय गीता और मेरे। ये क्या है? वैष्णवी क्या लेके बड़ा पाओ। या मास्टर मोहसिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे खाएंगे इसे। हम तो सिर्फ देख सकते हैं सर, आप खा सकते हो ये। दिखाओ दिखाओ, समझ में नहीं आता ऐसे, ये लोग दूर से समझ आता क्या? एक सेकंड जरा दिखा दो, एक मिनट दिखा दो, चेकिंग होनी पड़ती ना यार, कुछ मिला मिला ना दिया हो मैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर श्रेया हाँ? तुम आगे नहीं, तुम जरा अपने लेफ्ट पे इस तरफ जाओ। हाँ ओ धर्मेश्वर, ओ धर्मेश्वर बोलो। धर्मेश्वर अभी आपके टीम से कौन आने वाले? मेरे टीम से ये दो बाजू में बैठे वत्सल और अतुल, ये दोनों आने वाले। बंदर लोग दो, थोड़ा मंकी का एक्ट है जो वो आपको अपने एक्ट के थ्रू बताएंगे। तो जोरदार ताली बजाएं टीम बकाव से अतुल भैया और
₹50 के लिए। वत्सल अतुल गेम बैक। कम ऑन गाइस। ये कहानी है दो शूरवीर भाइयों की, बाली और सुग्रीव की, जहां गलतफहमियों के कारण बाली सुग्रीव के दुश्मन बने। सुग्रीव को अपने खोए हुए राज और सम्मान को प्राप्त करने के भांति अपने बड़े भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारना पड़ा। बाली, बारा बाली, दोस्त बाली। भाइयों के बीच चला आ रहा यह युद्ध आज भी जारी है, क्योंकि आज भी कहीं गलतफहमियां भाईचारे पे हावी है। फैंटास्टिक जोरदार ताली हो जाए अतुल और वत्सल के लिए। तो चलिए फिर पूछते हैं सबसे पहले मास्टर मर्जी से। मास्टर मर्जी, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? इट वाज अ नाइस एक्ट। वत्सल अतुल, आपका झगड़ा मुझे दिखाई दिया, आपने जो जितनी भी जगह पे डांस किया सब पता चला, लेकिन आपने कलारी पैतू किया, करेक्ट? मुझे वहां थोड़ा कमी लगा। आप जब फाइट कर रहे थे वो कॉन्टेक्ट अगर ज्यादा होता तो मुझे और इंटरेस्टिंग लगता। अदरवाइज इट वॉज अ वेरी नाइस एक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। फारा मैम, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? यस आई अग्री, कहीं कहीं बैम्बू वो लाठी नहीं लग रही थी, लेकिन इतनी सारी चीजें तुम लोग कर रहे थे एंड दे आर सो डिफिकल्ट। एंड व्हाट आई लाइक वाज कि कहीं भी तुम लोग ने डांस नहीं छोड़ा, डांस के साथ यू ऑल डिड अ फाइट ऑल्सो, यू डिड ट्रैम्पोलिन ऑल्सो, यू डिड द स्लाइडिंग ऑल्सो। और ट्रैम्पोलिन में एक जगह तुम लोग दोनों वापस आए, लेकिन वो बीट पे तलवार मारी तुम लोग ने। एंड आई नो दैट ट्रैम्पोलिन पे तो कंट्रोल ही नहीं हो सकता किसी का। एंड यू ऑल बोथ वर सुपर्ब। थैंक यू। वासुकीता, मुझे शिकायत अगर कोई होगी तो इतनी होगी कि कलरी पाइट टू जो एक फॉर्म है, मार्शल आर्ट्स का जो फॉर्म है, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये बैम्बू का कांटेक्ट हो या सोर्ड का कांटेक्ट हो या हाथों का कांटेक्ट हो, जब एक दूसरे को फेंकते हो आप, उतनी एनर्जी मुझे दिखनी चाहिए, जो वो एक चीज जो उभर के नहीं दिखी। अदरवाइज स्टांसेस वर वेरी गुड। आप लोगों ने ट्रैम्पोलिन पे एक सेक्शन किया जहाँ पे आप लोग घुटनों पे जाते हो।
Yeah, that was done very well. और मुझे लगता है you have a lot more to give. तो अगली बार जब इस मंच पे उतरो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की जोड़ी इससे ज्यादा कमाल कर सकती है. Thank you. तो चलिए जानते हैं कि आपको मार्क्स कितने मिलते हैं. शुरू करते हैं मास्टर मर्जी से. मास्टर मर्जी, 8 marks. 8 marks. 7 marks. टोटल होता है आपका 23. नॉट बैड. इसी बात पे जोरदार ताला हो जाए. थैंक यू सो मच. बुला के बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी उम्र है 16 और 30 के बीच और अगर आपका पैशन है सिंगिंग, तो आपको बता दूं कि देश का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा आ रहा है वापस सिर्फ जी टीवी पर. और ऑडिशन शुरू हो गए हैं. कल हमारे ऑडिशन हो रहे हैं मुंबई में, संडे 2 सितंबर. तो ऑडिशन देने जरूर आइएगा. 5 हफ्तों की सीरीज का ये दूसरा हफ्ता है. आज के सारे परफॉर्मेंसेज हो चुके हैं. किसे मिलेगा 9 सूपी नूडल्स फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब? मास्टर्स, नौ सूपी नूडल्स फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब मिलता है रोहन और राघव को. मिलता है 9 सूपी नूडल्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि 9 सूपी नूडल्स है अब 1 करोड़ बच्चों का फेवरेट. हो जाए. थैंक यू. क्या बात है. लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि क्या मस्का लगाया यार दोनों टीम ने. अच्छे अच्छे मार्क्स भी मिल गए. अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं. उनके परफॉर्मेंसेज ही इतने अच्छे थे. वी वर फोर्स्ड टू गिव दीज मार्क्स. देखा टीम वकाओ के मार्क्स हैं 73. वकाओ वकाओ. और टीम याहू के मार्क्स हैं 82. कौन बनेगी इस हफ्ते की विनिंग टीम जानेंगे कल. तब तक के लिए